لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين। कैपिटल स्मार्ट सिटी में इंटरनेशनल मेडिकल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का संगे बुनियाद रख दिया गया। कैपिटल स्मार्ट सिटी और इंटरनेशनल मेडिकल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। ग्रुप चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर कैपिटल स्मार्ट सिटी मलिक असलम कहते हैं कि 5 साल में ये इदारा तैयार होगा। इसमें इलाज मुआवजे की तमाम सहूलियात मैसर होंगी। ये पाकिस्तान का हार्वर्ड होगा। हमारे चेयरमैन ने 500 कनाल जो लैंड है वो डोनेट की है इस अदारे के लिए, जो डॉक्टर साईद अख्तर साहब बनाना चाह रहे हैं। और ये इंटरनेशनल मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो ना सिर्फ एक हॉस्पिटल है बल्कि एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है, रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है, और सारा मल्टी फंक्शनल जो मेडिकल की फैसिलिटीज है वो इसमें ये प्रोवाइड करना चाहते हैं। The smart city concept was a very wholesome concept, inclusive concept, a city which is for everybody. It is for the less privileged people, it is for the medium income people, and it is for the high net worth individuals. इंटरनेशनल मेडिकल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के सरबराह डॉक्टर सईद अख्तर ने कहा, हेल्थ केयर में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अहम है। हमारा फर्ज बनता है कि ऐसे इदारे बनाए जाएं। हमारा विजन बेहतरीन रिसर्च इस इंस्टीट्यूट में लाना है। जिस छत तले अमीर का ट्रांसप्लांट हो वहीं गरीब का भी हो। हम अपने लेजर, अपनी मशीनें और औजार बनाएंगे और इनको एक्सपोर्ट भी करेंगे। इस इदारे के तहत गरीब को भी मुफ्त सहूलियात दी जाएंगी। हम ये चाहते हैं कि उसमें जो जिस तरह से हम अमीरों का इलाज करें बिल्कुल उसी तरह गरीब का भी इलाज किया जाए। उस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये इंटरनेशनल मेडिकल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट को बनाया और इसमें मैं समझता हूँ हम बड़े मशहूर हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी का, जिन्होंने इसमें पार्टनरशिप हमारे साथ की है। इंटरनेशनल मेडिकल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में मेडिकल स्कूल, नर्सिंग स्कूल और यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। पहला फेज 200 बेड से शुरू होगा जिसमें 8 अरब लागत आएगी। कैपिटल स्मार्ट सिटी ने इस मंसूबे के लिए 500 कनाल जमीन दी है।